एक फिर हम प्रश्न लेंगे, जो हमारे मंदिरों पर कब्जा है सरकारों का, मस्जिद और चर्च पर नहीं है, और ये आरंभ से जो एक्ट बनाया गया उससे हमारा कितना नुकसान हुआ है, और हिंदू मंदिरों को प्राप्त करके क्या प्राप्त कर सकता है समाज में, इस पे यदि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इस पर मैं दोनों को दोषी समझता हूँ, सरकार को भी और अखाड़ों को भी, या जो भी संप्रदाय जिस मठ के संचालन में अधिकृत है उनको भी। पहली बात यह है, देवता की संपत्ति देवता की होती, इसको समझा जाए, महंत की भी नहीं होती है। महंत बस उस संपत्ति का संरक्षक है, अधिपति नहीं है। ये आनंद वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में कथा है, जहां पर एक कुत्ता राम जी के दरबार में न्याय मांगने के लिए आया है। अब रामभद्राचार्य तो उस प्रकरण को प्रक्षिप्त मानते थे, क्योंकि अगर सही मान लेंगे तो हम यह कह देंगे अगले जन्म में शायद चार पैर भी भगवान दे दें, इतना दिव्य अंग दे दें आपको। अब वाल्मीकि रामायण को नहीं मानना है तो आनंद रामायण देखिए, वहां भी ये कथा है। और आनंद रामायण को भी नहीं मानना है, हालांकि आनंद रामायण भी महर्षि वाल्मीकि की ही रचना है। चार रामायण तो प्रसिद्ध है उनके, आनंद, अद्भुत, योग वासिष्ठ और आर्ष, तो जिसमें आर्ष को ही केवल मूल वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन है वो चार। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण का जो पहला अध्याय, तपस्वाध्याय, निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम, जहां से प्रारंभ है, वो स्वयं पूरा का पूरा अध्याय ही लिया गया है आनंद रामायण से। राम रक्षा स्तोत्र, चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् पुंसा महापाद विनाशनम्, ये भी आनंद रामायण से ही लिया गया है। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान महादेव जी ने जो विष्णु सहस्त्र नाम देवी जी को बताया है, वहां पर भी बताया गया है कि रामचंद्र जी ने कुत्ते को न्याय प्रदान किया। अब न्याय तो हो नहीं रहा अंदर, अब तो निर्णय हो रहे हैं, निर्णयालय है, नाम भले न्यायालय लगा लिए हो, न्यायमूर्ति लगा लिए हो, लेकिन न्याय क्या वहां पर निष्ठा प्राप्त तो हो रही है न्याय की, क्या वहां अर्हता सिद्ध हो रही है? मुझे तो नहीं संतोष होता है इस व्यवस्था से। निर्णयाधीश हो सकते हैं, निर्णयकर्ता हो सकते हैं, लेकिन निर्णय सदैव न्याय हो, ये हमें नहीं देखने को मिलता। अब यहां पर देखें तो मठ और मंदिर, इसका राजा संरक्षक होता है, अधिपति नहीं होता, वह देवतायतन है, लोकायतन नहीं है। लोकायतन मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो देवता की संपत्ति है, देवता उसका स्वामित्व रखता है। हाँ, आप सेवा कर सकते हैं, आप वहां पर देवता के ही द्वारा प्रोक्त विधान का या देव भक्तों के प्रोक्त विधान का अनुसरण करके आप वहां पर जिस वर्ण का जो अधिकार है, कोई माली है तो फूल की सेवा करेगा, कोई दर्जी है भगवान के वस्त्र की सेवा करेगा, कोई बांस इत्यादि की बनाते हैं तो पात्र से सेवा करेंगे, विप्र वर्ण को यजन का अधिकार है, याजन का अधिकार है, वो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे, जिस पर अब सरकार ट्रेनिंग देके बहाली करते जा रही है, क्योंकि उसके बपौती संपत्ति हो गए हैं ना मठ इत्यादि। और अगर कोई व्यक्ति इस मर्यादा का अतिक्रमण करता है तो वह अगले जन्म में कुत्ता इत्यादि योनियों को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि सरकार छोड़िए, जो संप्रदाय के आचार्य हैं वह भी स्वयं उस संपदा का उपभोग नहीं कर सकते, उसका संरक्षण कर सकते हैं और देव कार्य में उसका विनियोग कर सकते हैं, देवता के द्वारा प्रोक्त शिष्टाचार और लोकोपकार में उसका विनियोग कर सकते हैं। अब सरकार यदि नियंत्रण हटा देगी तो एक परिणाम जो मुझे देखने को मिल रहा है कि जितनी लोभ की प्रवृत्ति हो गई आजकल के मठाधीशों में, जो भोग वासना की वृत्ति बढ़ गई है, उस वृत्ति के कारण मठ मंदिर की संपत्ति बहुत शीघ्रता से, आज मैं आपको एक कटु सत्य बता रहा हूं, 90% आश्रम वेश्यालय में परिणत हो चुके हैं, बस बाहर बोर्ड नहीं लगा है, चाहे वो समलैंगिकता के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो स्त्रियों को वहां बुलाकर दीक्षा देने के बहाने हो। अब ये बहुत बड़ा मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा निजी अनुभव, कम से कम तो 100 से 150 अलग अलग संप्रदायों के मठों में स्वयं जाकर देखने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ है, ये बहुत बड़ा मैं दावा कर रहा हूं और बहुत ठोस ये अनुभव के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। और इससे किसी संप्रदाय का मठ अछूता नहीं है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जितने आपकी दृष्टि में है वो सब इसमें आ जा रहे हैं। कुंठित यौन वृत्ति आजकल के धर्माधिकारियों में बहुत सामान्य हो गई और इसका बहुत भीषण प्रभाव पड़ रहा है। आज सरकार का नियंत्रण छूट जाए, कल ये सारे के सारे मठ मंदिरों में वेश्याओं को बैठा देंगे प्रत्यक्ष रूप से, अभी तो अघोषित रूप से। अब सरकार यदि नियंत्रण नहीं छोड़ती है तो उससे अधिक भीषणकारी विप्लव है, क्योंकि कम से कम अगर कोई भ्रष्ट हो जाए महंत, तो अन्य कुछ सज्जन उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसका निग्रह कर सकते हैं। यहां तो भगवान आदि शंकराचार्य ने यह अधिकार दिया, अन्यथा रूढ़ पीठों पर निग्रहारोह मनीषिणाम, कि हमारे आसन पर हमारे उत्तराधिकारी के रूप में बैठा व्यक्ति अगर भ्रष्ट हो जाए तो मनीषी जनों को उसका निग्रह करना चाहिए, ये मठामनाय का अनुशासन कहता है, वहां पर उन्होंने ये विधान दिया है। तो कम से कम ये हम कह सकते हैं कि सरकार का नियंत्रण छूट जाए तो संप्रदाय के अंतर्गत के ही योग्य लोग भले थोड़े देर सवेर से, लेकिन उसका विरोध करने का साहस रख सकते हैं। लेकिन सरकार ही यदि वैसी हो जाए तो क्या होगा? तो सरकार जो है वो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को पहली बात श्रद्धा की दृष्टि से देखती नहीं है। इसका एकमात्र कारण है कि हिंदू ही स्वयं को उन संस्थानों से श्रद्धात्मक रूप से जोड़ नहीं पाया,
हिंदू वहां पर पिकनिक मनाने जा रहा है। आप देख लीजिए बद्रीनाथ केदारनाथ इत्यादि में 90% हिंदू जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, सिगरेट फूकते, बीड़ी पीते, गुटखा खाते आपको देख लिए जाएंगे। वो उन तीर्थों की मर्यादा का स्वयं पालन नहीं करेंगे तो सरकार क्यों आपको महत्व देगी? तीर्थाटन को तीर्थाटन के रूप में आखिर क्या हुआ? देवर्षि नारद का अनुभव मैं बताता हूं आपको। पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, क्या कहते हैं देवर्षि नारद? आज नहीं, कलयुग के प्रारंभ में ये बात कहते हैं। गोकर्ण धुंधकारी वाला विषय थोड़ा पूरा हो गया तो उसके कुछ समय के बाद, लगभग 30 वर्षों के बाद देवर्षि नारद की ये बात आई है। कलयुग के आए हुए मैं समझता हूं उधर 30 वर्ष परीक्षित जी का जोड़ लीजिए और 200 इधर, मतलब और 30 इधर, 260 मतलब 250 साल लगभग बीते थे, ज्यादा नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारोरवाजना ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। जघन्य जैसे जघन्य पाप करने वाले, अत्यंत दुराचारी वृत्ति वाले लोग भी तीर्थों में जाकर वास करने लगेंगे, इससे तीर्थ का सार समाप्त हो गया। आज संदीप जी मैं जब जाता हूं तीर्थों में, चाहे जहां चला जाऊं मैं, अगर मैं उस स्थान पर बैठकर सोचूं कि मैं 10 माला गायत्री ही कर लूं, 1-2 पाठ सप्तशती का कर लूं, विष्णु सहस्रनाम कर लूं, शिव कवच पढ़ लूं, कुछ वैसा कुछ पारायण कर लूं 10 मिनट, तो मुझे तपस्या के लिए साधनात्मक एकांत स्थान नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं वहां, मैं अभी केदारनाथ गया, मैं अपने जब मेरा पूर्णाभिषेक हो रहा था तो गुरु जी के पास हिमालय गए थे, आपको हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर शराब की दुकान मिल जाएगी, दवा की दुकान नहीं मिलेगी। ये तो देवभूमि का हाल बना रखा है लोगों ने। शराब की दुकान सुलभ है, औषधि का केंद्र सुलभ नहीं है, मदिरालय सुलभ है, पुस्तकालय सुलभ नहीं है, और देवालय जो है भी वहां पर देवत्व की भावना के अतिरिक्त सब हो रहा है। सारा का सारा मनमौजी, टोना, टोटका, पाखंड, रीलबाजी और जितना तरह का कुकर्म है सब हो सकता है। तो शास्त्रीय विधि से अगर कोई अनुष्ठान के लिए कह दे तब शास्त्रों को बदल दो भैया, और ये अंधविश्वास हो गया, और ये तो रूढ़िवादी मध्यकालीन बातें हो गई। और ये सब आज नहीं, धीरे धीरे करके, दयानंद को खड़ा करके, विवेकानंद को खड़ा करके, योगानंद को खड़ा करके, अलग अलग समाज, अलग अलग परिवार, अलग अलग संस्था, एनजीओ है ना, कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भय सद ग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ या पाखंड, जो अलग अलग भाव है, मतलब समझिए ये सब पिछले 150-200 सालों में जो संप्रदाय और जो ये सब पैदा हो गए है ना, मशरूम मुत्ता खुखड़ी के समान, इन सबों का दुष्परिणाम है। हिंदू हिंदू तो रहेगा, उसके अंदर से जो धार्मिक तत्व होना चाहिए वो निकाल लिया गया है, वो एक प्रकार का अघोषित गुलाम बन गया है इन आसुरी शक्तियों का। तो अगर मठ का नियंत्रण सरकार के हाथ में रहेगा तो दानवों के हाथ में तो प्रत्यक्ष ही है, और अगर इनको दे देंगे तो भैया ये 10 साल में सब बेच कर खा जाएंगे, जान जाइए आप, सारा का सारा सप्लाई कर देंगे ये लोग। तो ये एक दिन की व्यवस्था नहीं है कि आप कानून बना दें और बिगाड़ दें, ये इतना पुराना रोग हो गया है कि आप 1-2 चिकित्सकीय सत्र में उसका उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते, उसका समाधान नहीं कर सकते। पूरी प्रक्रिया है, सर्वप्रथम यह प्रक्रिया होगी कि व्यासपीठ का शोधन पहले हो, जिस संप्रदाय में जो विकृति घुस रही है, शंकराचार्य के संप्रदाय में अध्यक्षजानंद घुसा हुआ है, वासुदेवानंद घुसा हुआ है, कथावाचकों के क्षेत्र में मुरारी घुसा हुआ है, प्रदीप मिश्रा घुसा हुआ है, तरह तरह के बवंडर बाबा घुसे हुए हैं, शैवों में देखिए उधर एक नित्यानंद बना अपना कैलासा बना बैठा हुआ है टापू, वो अलग ही लिंगायत वीर शैव का प्रपंच किया जा रहा है। शास्त्रोक्त रूप से हमने लिंगायत और वीर शैव जब धर्म अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की बात उठ रही थी ना, तो हमने ही विरोध किया था, और हमने लिंगायतों के सभी, बगल हमारे पुस्तकालय है वहीं पर हमने सारे सेवागमों का प्रमाण देकर बताया कि कैसे श्रुति स्मृति पुराणों के अभिन्न अंग हैं पाशुपत वाले, कोई अलग धर्म नहीं है और कोई वर्णाश्रम के विरुद्ध इनका नहीं है। अब आजकल तो सबके नाम पर सब चल रहा है, लेकिन जो पुराण तो बहुत इसको स्थापित करता है पाशुपत धर्म को, वायु पुराण में तो इसको पूरा स्थापित किया गया है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, पारमेश्वरागम है, देवी कालोत्तरागम है, बहुत से ऐसे ग्रंथ है, लेकिन बात यह स्कंद पुराण में भी, लेकिन बात है पहले व्यासपीठ का शोधन हो, उसके बाद शोधन हो जो संवैधानिक प्रारूप में चल रहे हैं वो। लेकिन ये इस व्यवस्था में रखते हुए संभव नहीं होगा, हिंदुओं के पास इतना पैसा मठों में है कि सरकार की क्रुद्ध दृष्टि उससे हटेगी नहीं, और अगर सरकार ने भी तत्काल अपनी दृष्टि हटाई तो कल जाते जाते ये सारा का सारा जितना दिख रहा है प्रबंधन वो सब चला जाएगा। न सरकार और न महंत उस संपत्ति का अधिपति, शास्त्रोक्त देवता शास्त्रीय विधि से उस संपत्ति का उपभोग करता है और अपने भक्तों को लाभान्वित करते हैं, और उन देवता की उन विधि का जो पालन करने में समर्थ हो, अधिकृत हो, वही व्यक्ति उसका संरक्षक बन सकता है। पहले योग्य संरक्षक तैयार कीजिए कि हम यहां से तो छोड़ दिए, पकड़ने के लिए कौन बैठा है? तो पहले योग्य संरक्षक हरेक, भले इसमें 5-10 साल का समय और लग जाए, कलयुग कोई कल खत्म होने वाला नहीं,
हमारे तो शास्त्रीय कालमान के अनुसार हम समझते हैं कि 43,20,092 वर्षों के अंतर्गत 5,120-25 वर्ष कुछ बीते हैं अभी कलयुग के, तो अभी तो 100 वर्ष की आयु में 1.25 साल बीता है इस बच्चे का। अभी तो ये चलना फिर ढंग से बोलना नहीं सीखा है कलयुग, तब इतना तांडव मचा कर रखा है।